नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज बिहार की 20 बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रणधीर कुमार। काठमांडू से पोखरा जा रही यात्री विमान क्रैश, प्लेन में सवार थे करीब 70 यात्री जिनमें कई भारतीय भी शामिल। सीतामढ़ी जिले के बैरगनिया नगर परिषद वार्ड नंबर 6 निवासी संजय जायसवाल भी हुए दुर्घटना के शिकार, घटनास्थल के लिए उनके परिजन हुए रवाना। आरा जिले में दो पक्षों के बीच हुए विवाद में युवक ने लहराया कट्टा, घर की छत पर चढ़े युवक ने कट्टा दिखाकर दूसरे पक्ष के लोगों को दी गोली मारने की धमकी, जांच में जुटी पुलिस। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने तोड़ा मौन व्रत और उपवास, मोची ने दूध पिलाकर खत्म कराया अनशन। बक्सर के अंबेडकर चौक पर पिछले 24 घंटे से अनशन और मौन व्रत पर थे केंद्रीय मंत्री। बिहार सरकार ने 80 डॉक्टरों को नौकरी से निकाला, तेजस्वी ने दी चेतावनी, ड्यूटी में लापरवाही नहीं की जाएगी बर्दाश्त। बिहार में महज 12 घंटे के अंदर दो होमगार्ड जवानों की हुई हत्या, सारण में गाड़ियों की चेकिंग कर रहे एक होमगार्ड जवान को बालू माफियाओं ने कुचला जबकि दूसरे को बाल कैदियों ने उतारा मौत के घाट। नरकटियागंज के प्रसिद्ध शिशु रोग चिकित्सक डॉक्टर एम बलि द्वारा सोनासती गांव में लगाया गया स्वास्थ्य जांच कैंप, स्वास्थ्य जांच के साथ डॉक्टर बलि ने दिया स्वास्थ्य से संबंधित परामर्श, जांच के बाद निःशुल्क दवाओं का किया गया वितरण। रामचरितमानस पर जारी है महाभारत, शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के बयान पर बोले उपेंद्र कुशवाहा, राजद के कुछ गुमराह नेता कर रहे हैं बीजेपी की मदद। उत्तर बिहार का देवघर कहे जाने वाले मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ मंदिर में 51 किलो लाई और तिलकुट से हुआ बाबा गरीबनाथ का महाश्रृंगार, महादेव की मनोरम छवि देखने के लिए उमड़ी भक्तों की भीड़। बेखौफ अपराधियों ने समस्तीपुर में पुलिस को दी खुलेआम चुनौती, मुखिया पुत्र को बनाया निशाना, मुखिया पुत्र को लगी 5 गोलियां, मुजफ्फरपुर में चल रहा है इलाज, घटना से आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर किया हंगामा। गोपालगंज में हुए सड़क लूट मामले में गोपालगंज की पुलिस लोकेशन ट्रैक कर पहुंची पूर्वी चंपारण के घोड़ासहन, स्थानीय पुलिस के साथ संयुक्त छापेमारी कर थाना क्षेत्र के रजवाड़ा से पहाड़पुर के कुख्यात अपराधी राहुल सहनी को किया गिरफ्तार, अग्रिम कार्रवाई करते हुए गोपालगंज की पुलिस ले गई अपने साथ। रिटायरमेंट के महज 1 महीने बाद ही नीतीश कुमार ने पूर्व डीजीपी सिंघल को दिया बड़ा पद, पूर्व डीजीपी एसके सिंघल अब होंगे केंद्रीय चयन पार्षद के नए अध्यक्ष, 20 जनवरी तक है केंद्रीय चयन पार्षद के मौजूदा अध्यक्ष केएस द्विवेदी का कार्यकाल। वाल्मीकि नगर में यूपी बिहार नेपाल सीमा पर गंडक नदी के किनारे मछुआरों को मिला करीब 30 किलो वजन का विशालकाय दुर्लभ कछुआ, देखने के लिए ग्रामीणों की उमड़ी भीड़, सूचना पर पहुंची पिपरासी थाना, अग्रिम कार्रवाई में जुटी। अररिया से बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह ने दिया बड़ा बयान, सर्द मौसम में भी कराया सियासी गर्मी का एहसास, बोले कुछ दिन और कीजिए इंतजार, बिहार में भी होगा महाराष्ट्र वाला खेला। सांप पकड़ने के दौरान सपेरे को सांप ने डसा, पश्चिमी चंपारण के शिकारपुर थाना क्षेत्र के सेमड़ा गांव का है मामला, बेहतर इलाज के लिए भेजा गया जीएमसीएच बेतिया, इलाज जारी। जाति आधारित गन्ना को लेकर नरकटियागंज एसडीएम व बीडीओ ने किया निरीक्षण, कर्मियों को दिया आवश्यक दिशा निर्देश, बोले एसडीएम धनंजय कुमार, गन्ना में किसी प्रकार की कोताही नहीं की जाएगी बर्दाश्त। मौसम में सुधार को देखते हुए पश्चिमी चंपारण के सभी सरकारी व निजी विद्यालय सुबह 9:30 बजे से दोपहर के 2:30 बजे तक होगी संचालित, जिला शिक्षा पदाधिकारी ने पत्र के माध्यम से दिया आदेश, 16 जनवरी से संचालित होगी सभी निजी व सरकारी विद्यालय। नवादा में क्राइम कर बेगूसराय में लेता था पनाह, बिहार पुलिस के हत्थे चढ़ा तिवारी गिरोह, रेड के दौरान बरौनी के फुलवरिया थाना क्षेत्र के सोखड़ा गांव से हुई सभी की गिरफ्तारी, बिहार समेत देश के अलग अलग हिस्से में जाकर पैसे छिनैती और लूट की घटनाओं को देता था अंजाम। और जहानाबाद में चाचा ने भतीजे को उतारा मौत के घाट, जमीनी विवाद को लेकर किया ईंट से मारकर घायल, इलाज के दौरान हुई भतीजे की मौत, शव कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। नरकटियागंज अनुमंडल कार्यालय में एसडीएम धनंजय कुमार ने चीनी मिल प्रबंधन व किसानों के साथ की बैठक, चालान को लेकर किसानों ने जताई अपनी समस्या, एसडीएम ने किसानों को दिया सकारात्मक आश्वासन। अभी के लिए बस इतना ही, एसटीवी न्यूज पर प्रसारित होने वाली खबरें प्रोग्राम्स आप जीटीपीएल के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो HTV News के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताजा वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। Facebook पर हमारे साथ जुड़ने के लिए HTV News के Facebook पेज को लाइक करें और Twitter पर HTV News को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए बिहार का सबसे तेजी से उभरता न्यूज चैनल HTV News, सच की आवाज। नमस्कार।